नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कोर नेटवर्क लेटेस्ट नई अपडेट, सबसे पहले बात करेंगे कोर कॉइन डिपॉजिट को लेकर जो अपडेट है। OKX एक्सचेंज हो गया, मैक्सी एक्सचेंज हो गया। नंबर दो बात करेंगे कोडाओ के द्वारा ट्वीट करके हमें 2 से 3 नई इन्फॉर्मेशन दी है उनके बारे में। और नंबर 3 बात करेंगे कोर कॉइन की प्राइस को लेकर। आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को सारी अपडेट है वो समझ में आ जाएगी। और हम ये भी बात करेंगे जिस सतोशी ऐप के अंदर हम कोर कॉइन की बिल्कुल फ्री के अंदर माइनिंग करते हैं तो क्या वहाँ से विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है या नहीं, और कितना समय लगेगा वहाँ से विड्रॉल करने में। यदि आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ओके एक्सचेंज को ओपन करके रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिपॉजिट है वो देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। सबसे पहले इसी अपडेट को समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने OKX की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यानी इनके होम पेज पर आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर आप ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यह भी देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोर कॉइन भी यहाँ पर आप डिपॉजिट को लेकर अपडेट है वो देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर आपको ऊपर सर्च वाला आइकन मिल जाएगा और यहाँ पर आप कोर कॉइन को मिले पहले सर्च करके रखा। चलिए एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानकारी है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी मैं कोर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिपॉजिट कोर नेटवर्क का एड्रेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी है वो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फंडिंग अकाउंट हो गया, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये भी देखने को मिल जाएगा। मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अभी तो यहाँ पर कोर कॉइन का डिपॉजिट स्टार्ट है, हमें नहीं देखने को मिला है, यानी अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर कोर कॉइन के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते। वो अभी तक इसको लेकर भी अपडेट है वो दिए, जो कि OKX ने हमें जानकारी दी थी कि आज 17 जनवरी को इसके अंदर ट्रेडिंग हो जाएगा स्टार्ट, यानी USDT और कोर स्पॉट ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर भी नई जानकारी दी है कि इसके अंदर कुछ समय लगेगा, यानी कोर नेटवर्क के द्वारा आपको अपडेट है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते नंबर 2 अपडेट के बारे में, फिर बात करेंगे कोर कॉइन की प्राइस के बारे में। इतना ही नहीं बल्कि कोर कॉइन की प्राइस है वो कितनी ज्यादा जा सकती है इसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि कोर नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोडाओ के द्वारा कुछ नया ट्वीट करके हमें जानकारी दी, इनको हम समझ लेते सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देखेंगे तो कोडाओ के द्वारा हमें यहाँ पर यह जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म भरने को लेकर भी अपडेट है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो चलिए एक बार इस अपडेट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले इस अपडेट पर, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि भाई उस फॉर्म के अंदर क्या करना है। तो भाई आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और इस अपडेट के अंदर आप देखेंगे तो भाई आप लोगों को समझ में आ जाएगा कोडाओ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि कोडाओ के साथ जो भी पार्टनरशिप करना चाहता है वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो उनकी जो भी ईमेल आईडी होगी, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा यहाँ पर प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता कि हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम बिल्कुल फ्री के अंदर कोर कॉइन की माइनिंग करते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा और यहाँ पर आपको कौन से लेवल होगा, कौन सी चेन है, सब कुछ देखने को मिलती है। यानी कोडाओ पर यदि कोई दूसरा लिस्ट करेगा या कोई दूसरे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लिस्ट होगा, इसके लिए यहाँ पर एक फोरम है। हम जो बिल्कुल फ्री के अंदर लोग माइनिंग करते हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर इसके अंदर फेल नहीं करना चाहते, हमारे लिए अपडेट नहीं है ये कि कोर नेटवर्क की डेवलपमेंट को लेकर हो गया, कोर नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट को लेकर हो गया, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कोडाओ पार्टनरशिप फोरम, जो कि हम कोडाओ के साथ किसी प्रकार का पार्टनरशिप नहीं करने वाले, जो कि आपको इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे इनके द्वारा भी कोर नेटवर्क को रिट्वीट किया गया। अभी आप इस अपडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये CEO है, इसको भी कोडाओ के द्वारा कोर ब्लॉकचेन पर अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई ये बंदा भी यहाँ पर फाउंडर है, यहाँ पर डेसो प्रोटोकॉल के इन्होंने भी कोडाओ को रिट्वीट किया, क्योंकि बड़े बड़े जो भी कोइन हो गए बड़े बड़े वो भी कोर नेटवर्क की एक तरह से सराहना कर रहे, कोर कॉइन की तारीफ कर रहे। चलिए आगे बात करेंगे, ये ट्वीट देखने को मिला मेटामास्क को लेकर, इसको लेकर मैंने आपको पहले से वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने अभी तक मेटामास्क में ऐड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको यूट्यूब से पहले जानकारी मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं मेन अपडेट के बारे में, नंबर 3 कोर कॉइन की प्राइस को लेकर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप लोगों को कोर कॉइन की प्राइस को लेकर भी जानकारी है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर अभी एक बार मैं इसको
बेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देंगे कॉइन क्राफ जो कि कोडाओ का एक ऑफिशियली है, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप हो गया, कॉइन गिग हो गया, उसी प्रकार से को नेटवर्क के अंदर भी आप लोगों को कॉइन क्राफ देखने को मिलेगा। वहां पर भी आपको सभी अपडेट और जितने भी कॉइन है सबको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मार्केट हो गया, सारा डिटेल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर भी को नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सबसे ऊपर मैं को नेटवर्क को सर्च करते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर कोर को सर्च कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे को नेटवर्क है वो लिस्ट हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों के सामने ये को नेटवर्क आ चुका है। यहीं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे कोर कॉइन की प्राइस आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिलेगी, यानी कोर कॉइन की मिनिमम प्राइस पर लॉन्च होगा तो भी अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। कोर कॉइन की लॉन्चिंग की प्राइस बताऊं तो यहाँ पर हो सकता है $1 के आसपास है कोर कॉइन की प्राइस है वो आप लोगों को लॉन्चिंग देखने को मिलेगी $1 के आसपास। चलिए आप बात करते हैं कोर कॉइन की प्राइस को लेकर। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोर कॉइन की प्राइस है वो भी यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं की गई है, यानी अभी तक कोडाओ के द्वारा एक कोर कॉइन की प्राइस को यहाँ पर भी आपको मेंशन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको यूएसडीटी देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार इस अपडेट को सही भाषा में समझ लेते हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कोर कॉइन की प्राइस कितनी ज्यादा जा सकती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसको बेक कर लेते हैं और यहाँ पर कोर की जगह आप लोगों कोई भी एक कॉइन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनमें से यहाँ पर कोई भी, जैसे कोर हो गया ये वाला दूसरा कोर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी कॉइन है उसके आप लोगों को यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगी, जो कि समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको $1 हो गया, यानी एक कॉइन की प्राइस है वो आपको इतनी डॉलर के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से आप लोग अभी कोर पर क्लिक करेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर मैं कोर पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को कोर कॉइन की प्राइस अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले आके चेकआउट करना होगा जो कि कोर नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर कोर नेटवर्क लिस्ट होते ही आप लोगों को इसकी प्राइस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ और आगे अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात करते हैं कि भाई कोर कॉइन की प्राइस कम, यदि लॉन्चिंग होती है कम प्राइस के ऊपर तो भी क्या ज्यादा आगे जा सकती है या नहीं, तो इसको लेकर बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा तो भाई यहाँ पर कोर कॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई बात करेंगे, टोटल सप्लाई बात करेंगे 2.1 बिलियन है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो भाई कितना कम आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी सर्कुलेशन में, जो कि 500 मिलियन के आसपास था वो भी बहुत ही ज्यादा, यानी 131.45 मिलियन के आसपास रह गया, क्योंकि बहुत ऐसी कंट्री थी जहां पर कोर कॉइन की माइनिंग की गई लेकिन उनकी माइनिंग को कोई मतलब नहीं निकला, जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट के अंदर जानकारी दी थी। यानी अभी सर्कुलेशन की बात करें आप लोगों को 131.45 मिलियन देखने को मिलेगा, यानी 131.4 मिलियन ही यहाँ पर कोर कॉइन है वो सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा, जो कि कोर कॉइन की सप्लाई है वो भी बहुत ही ज्यादा मेंटेन में, वो जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि लॉकिंग है, और इनमें से भी यहाँ पर 25% कॉइन है वो अनलॉक होगा। जी हाँ, इनमें से भी 25% अनलॉक होगा, तो आप समझ सकते हो कोर कॉइन की प्राइस कितनी ज्यादा जा सकती है। और हम इसको लेकर भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को यह भी सवाल है कि भाई सतोशी एफ से अभी क्या विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि डिपॉजिट की अपडेट आ चुकी है, OKX हो गया, मैक्स एक्सचेंज पर हो गया, तो क्या सतोशी एफ से तो हम विड्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर अपडेट आ चुकी है, यानी इसको लेकर भी आपका पूरा डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं वॉलेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे सतोशी पर अभी क्लिक करता हूँ तो भाई अभी तक यहाँ पर आपको विड्रॉल की अपडेट है वो नहीं देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर कोर विड्रॉल इज नॉट अवेलेबल दैट मोमेंट, यानी कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई हो सकता है आप लोगों को इसके अंदर कुछ दिनों के अंदर, यानी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो टाइम बताया वो बताया पर 60 दिन का समय लगेगा, 60 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो भाई 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कोर कॉइन की सब कुछ लिस्टिंग होगी, सब प्राइस होगी, सारा पूरा खुलासा हो जाएगा। तो भाई आप लोगों को अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आके आप एक बार देख लेना जो कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अभी एक बार मैं इसको बेक करता हूँ, यहाँ पर आप देंगे कॉइन क्रैप पर आके आप एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आपके कोर को सर्च करके, जैसा कि अभी एक बार बताता हूँ, यहाँ पर आप कोर को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी कोर कॉइन की वैल्यू को लेकर। जब कोर कॉइन की वैल्यू आ जाएगी सही रूप से तो यहाँ पर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कोर नेटवर्क हो गया, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोर कॉइन की प्राइस है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यूएसडीटी के अंदर कोर की वैल्यू है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप समझ लेना कि फाइनली कोर नेटवर्क है
वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुका है, फाइनली मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुका है, तो ही आप लोग कुछ एक्शन लेना और हमारे जो ऐप से विड्रॉल होगा तो इसको लेकर भी आपको अपडेट वो प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। OKX के अंदर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो OKX की लिंक में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करके बताना आपको अपडेट कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।